नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के बारे में। तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है आज के दिन में। जैसे कि आपको पता रहेगा, रिलायंस कम्युनिकेशन एक कर्जे में डूबी हुई कंपनी है। तो उसके ऊपर एक आज के दिन में बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन से अपडेट है। अपडेट देखने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन एक पेनी स्टॉक है, तो स्टॉक लेने से पहले आपका खुद का स्टडी जरूर करके बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते कौन सा न्यूज़ है आज के दिन में। देखिए न्यूज़ को देखने से पहले एक बार डायग्राम को समझ लेते तो नए लोगों के लिए समझने के लिए न्यूज़ बहुत ही आसान होगी। जैसे कि पता रहेगा, रिलायंस कम्युनिकेशन ने बहुत सारे बैंकों से कर्जा लिया था। जो भी कर्जा वो डिफॉल्ट कर दिए, उन्होंने बैंक को कर्जा जो टाइम पे नहीं दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, बैंक जो है एनसीएलटी में चली गई। एनसीएलटी मतलब क्या रहते हैं, इन शॉर्ट इसको कोर्ट बोल सकते हैं। जो भी कंपनी रहती है कर्जा डिफॉल्ट करती है या फिर कोई बड़ा फ्रॉड करते हैं, उनके लिए कोर्ट रहता है। जो भी एनसीएलटी ऑर्डर देते हैं वो जो बैंकरप्ट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके ऊपर आज के दिन में बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो चले देख लेते हैं कौन सा न्यूज़ आया आज के दिन में। यहाँ पे पूरे न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि बोला गया है, रिलायंस इंफ्राटेल रेजोल्यूशन प्रोसेस चाइनीज बैंक्स रिटर्न टू फाइनेंस मिनिस्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो ये लगभग चार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनके साथ दो चाइनीज़ बैंक्स भी इन्वॉल्व है। तो उन्होंने सीधा लेटर जो किसको लिखा है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारामन को लिखा है। तो उन्होंने क्या बोला लेटर में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला जो भी आपका रेजोल्यूशन प्लान है जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश किया है, स्पीड अप बोला है। मतलब उनका कहना है कि 4 से 5 साल तक अभी तक जो प्लान है वही पे वही है, अभी तक कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो भी हमारा पैसा है जल्दी से जल्दी वापस किया जाए रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर रिलायंस इंफ्राटेल के द्वारा। तो यहाँ पे आपको पता रहेगा, मैं आपको पुराना सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पता रहेगा, जैसे कि रिलायंस इंफ्राटेल एक रिलायंस कम्युनिकेशन की सब्सिडी रहे। आपको पता रहेगा रिलायंस कम्युनिकेशन के अंडर बहुत सारे सब्सिडी रहते हैं, जैसे कि रिलायंस इंफ्राटेल भी है। तो रिलायंस इंफ्राटेल का जो मेन बिजनेस है टावर रिलेटेड बिजनेस था। तो उनका जो आपको पता रहेगा रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर लगभग 41,000 का कर्जा है, बहुत ही बड़ा कर्जा था। उसमें से लगभग 13,000 कर्जा किसका है, रिलायंस इंफ्राटेल का है। तो आपको पता रहेगा जो मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, तो उन्होंने रिलायंस इंफ्राटेल के बिजनेस पे बोली लगाई थी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर एनसीएलटी में जब कंपनी थी। तो उन्होंने लगभग 4,400 करोड़ में जो रिलायंस इंफ्राटेल खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन अभी तो आपको पता है अभी तक ये रेजोल्यूशन प्लान चल ही रहा है, तो वहाँ पे अभी तक अटक गए। जिस दिन इस न्यूज़ सामने आएगी मुकेश अंबानी रिलायंस इंफ्राटेल का जो बिजनेस खरीदेंगे, तो मे भी वहाँ से थोड़ा बहुत कर्जा यहाँ से कम हो सकता है और रिलायंस कम्युनिकेशन वापस से अपना नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल विन विन सिचुएशन है रिलायंस कम्युनिकेशन में, हो सकता है नहीं हो सकता किसी को भी नहीं हो पता। अगर फॉर द एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन प्लान पास होता है और एनसीएलटी से कंपनी बाहर निकलती है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ी उछाल सकते हैं, शेयर रॉकेट बन सकता है, क्योंकि उनका जो है पूरा कर्जा नील हो जाएगा और वापस से जो है रिलायंस कम्युनिकेशन नया जो बिजनेस चालू कर सकती है। तो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है रिलायंस कम्युनिकेशन की ओर से, क्या अपडेट आता है एनसीएलटी से, क्या अपडेट आता है। बहुत सारे अपडेट आने बाकी है, बहुत सारे जो है वहाँ पे जो लेंडर अभी तक वेट कर रहे हैं अपना पैसा वापस कब मिलेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप पुराने शेयर होल्डर हैं तो इसमें थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप बहुत सारे हायर लेवल पे अटके रहेंगे। अगर आप नए शेयर होल्डर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी के जो शेयर स्पेयर रख सकते हैं। अगर आप नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेनी स्टॉक है, अभी आगे जाके क्या होगा किसी को भी नहीं पता। ये तो था एग्जैक्टली आज का न्यूज़। वीडियो न्यूज़ अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।